अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी आज के हमारी राइटिंग के असाइनमेंट है, ट्यूसडे है, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको स्टार्ट करना होगा। और इसका थोड़ा तरीक़ाकार बता दूँ कि आप लोगों ने इसको लाइनें लगा के नीट एंड क्लीन काम करना होगा। सो मैं लिख रही हूँ तो आप लोगों ने गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ वेरी ईजी। जी ये हम ए पहले जी लिखेंगे, तो पहले हम ए बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से बिल्कुल सीधा ला के यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये दरमियान में काफ़ी गैप आ गया, लेकिन ये गैप नहीं लेकर आना। ठीक है, इसको दोबारा देखें ऐसे। ठीक है, उसके बाद एच होगा तो वो दरमियान, इन दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करेंगे और ऐसे, जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी, उसी तरीके से आप लोगों ने इसको करना होगा। के को भी हम ऐसे ही लिखेंगे जहाँ से हमने बी को स्टार्ट किया था, छोटा सा आर बना कर यहाँ पे लाइन के साथ टच करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। उसके बाद एल, तो वो भी हम दरमियान से स्टार्ट करेंगे ऐसे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखेंगे और से। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा व अहसनुल जज़ा। आप लोगों ने खूबसूरत करके लिखना है, बहुत नीट नीट करके लिखना है, क्योंकि इसमें आप लोगों के राइटिंग के मार्क्स होंगे, तो आप लोगों का पूरा काम नहीं होना चाहिए। उम्मीद रखती हूँ कि समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।